हाय दोस्तों, मैं मिलन और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। इमेजिन अगर आपका बजट है करीब 15 से 18 हज़ार, आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो गेमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा हो और परफॉर्मेंस भी एक फ्लेक्सिबल लेवल का मिल जाए और फोटोज़ भी काफ़ी अच्छी ले रहे। ऐसा कोई फ़ोन 15 से 18 हज़ार में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात बन जाए। तो ऐसा कोई फ़ोन है मार्केट के अंदर? तो हाँ दोस्तों, ज़रूर है। Xiaomi का हाल ही में लॉन्च हुआ Redmi Note 8 Pro जो बहुत ही टासू फ़ोन है, वो भी 15 से 18 हज़ार के बीच में मिलता है आपको बहुत ही बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस। तो आज मैं बताने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी हाईस्ट लेवल पे खेलूँगा और दूसरी जो गेम है वो है आपकी फेवरेट PUBG जो एक्सट्रीम लेवल पे खेलने वाला हूँ, जो बहुत ही स्मूथ चलती है। तो चलिए शुरू कर दें इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप नए हैं और ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने हैं और अगला गिव अवे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, गेमिंग का रिव्यू शुरू करने से पहले एक फ़ोन का ओवरव्यू देख लेते हैं। Redmi Note 8 के कुछ खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस क्या है? तो सबसे पहले मैं बताऊं तो बढ़िया यहां पे 6.53 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी। हालांकि ये एमोलेड नहीं है लेकिन फुल HD प्लस डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले है। बहुत ही अच्छी डिस्प्ले दी गई है जो वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले दी गई है। दूसरी में बात करूँ तो यहाँ पर मिल जाएगा हेडफोन जैक, यानी ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन के अंदर फ्लेक्सिबल लेवल के होते हैं तो हेडफोन जैक नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगा हेडफोन जैक। और मेरे हिसाब से तो हेडफोन जैक होना ही चाहिए क्योंकि अगर आपने कोई बढ़िया बहुत ही महंगे से हेडफोन खरीदे हैं, अगर वो हेडफोन जैक नहीं है तो आप कैसे प्ले करेंगे, क्या डोंगल बोंगल के चक्कर में पड़े। उससे अच्छा यही है कि हेडफोन जैक मिल जाए फ़ोन के अंदर। उसके बाद ऑफकोर्स यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, तो एक ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और फ़ोन को चार्ज करने के लिए मिल जाएगा साथ में 18 वोल्ट का चार्जर, लेकिन मैं बता दूँ फ़ोन सपोर्ट करता है 27 वोल्ट के चार्जर को, यानी अगर आपको और भी तेज़ी से फ़ोन को चार्ज करना है तो आपको मिल जाएगा 27 वोल्ट का चार्जर। नाउ इन द बैक यू हैव गॉट 64 मेगापिक्सल कैमरा जो लगा है सैमसंग का IOCELL GW1 सेंसर, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल और तीन कैमरा भी यहाँ पे लगाया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का डेप सेंसर भी लगाया गया है, यानी क्वाड कैमरा सेटअप में लगाया। अगर आगे देखें तो 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया बात है जो वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर मिल जाएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप मिल रहा है फ़ोन के अंदर। और ये सब कुछ मिल रहा है 15 से 18 हज़ार के बजट में, अनएक्सपेक्टेड थिंग है ये। और साथ में मिलेगा आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और फिंगरप्रिंट स्कैनर आप देखें तो बहुत ही तेज़ी से अनलॉक करता है फ़ोन को, एज सुन एज फास्ट, बहुत ही अच्छा है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर। हालांकि इन डिस्प्ले भी मिलता है लेकिन बजट थोड़ा टाइट है, तो यहाँ पे मिलता है पैक के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेकिन तो भी बहुत ही तेज़ी से काम करता है ये। और बाद में यहाँ पे मेन बात करें तो यहाँ पे मिलता है MediaTek की तरफ से G90T प्रोसेसर जो एक गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है जो गेमिंग के लिए ही बनाया है MediaTek ने, और परफॉर्मेंस भी इस पर अनएक्सपेक्टेड मिलती है, बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है इस बजट के अंदर, जो मैं आपको डायरेक्टली हैंड्स ऑन बताने वाला हूँ गेम खेल के यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 6 और 8 GB की रैम की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और दूसरा स्टोरेज की बात करूँ तो 64 से लेके 128 GB तक स्टोरेज भी मिल जाएगा, और SD कार्ड का स्लॉट तो मिल ही रहा है दोस्त। तो लेकिन तो भी यहाँ पे 64 और 128 GB का स्टोरेज तो आपको मिल ही रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छा है। अब जिसकी मेन बात करनी है वो यहाँ पे गेमिंग, यहाँ पे आप देखने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुई है वही, और दूसरी है पबजी आपकी बहुत ही फेमस गेम, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग खेलते हैं ये गेम। तो पबजी खेली गई है एक्सट्रीम सेटिंग पे, और दूसरी गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी जो भी मैक्स सेटिंग पे खेली गई है, जो बहुत ही स्मूथली चलती है आप देख सकते हैं यहाँ पे। Reloading!
तो यहाँ पे आपने गेमिंग परफॉर्मेंस देख लिया, बहुत ही स्मूथ चलती है, बहुत ही हाईएस्ट सेटिंग पे खेली गई थी, बहुत ही स्मूथ चलती है। और यहाँ पे आप फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो भी देख सकते हैं, एक फ्लेक्सिबल लेवल का जो टेम्परेचर रहता है गेमिंग के दौरान वही यहाँ पे मिलेगा। तो कोई बात नहीं, बहुत ही स्मूथ चलती है यहाँ पे गेम, और 15,000 में तो बहुत ही बढ़िया बात है, स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बहुत ही बटरी मिलने वाला है यहाँ पे एक्सपीरियंस। और दूसरी में बात करता हूँ, यहाँ पे गेम बूस्ट मोड भी मिलता है अलग से, जहाँ पे आप FPS का सेटिंग कर सकते हैं, CPU परफॉर्मेंस का सेटिंग कर सकते हैं, और कई सारी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन का सेटिंग भी कर सकते हैं, और बूस्ट मोड भी दिया गया है। तो बहुत ही हाईएस्ट बूस्ट में खेल सकते हैं आप गेमिंग, जिसकी गेमिंग के दौरान आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके। और यहाँ पे जो MediaTek का हीलियो G90T प्रोसेसर है, उससे इतना अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन बहुत ही एक फ्लेक्सिबल लेवल का परफॉर्मेंस मिलता है गेमिंग के दौरान। आप खेल सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी PUBG, यानी आपने गेमिंग रिव्यू तो देख लिए। तो इस पैकेज के अंदर आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिल रही है, बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रहा है, कैमरा सेटअप भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, वो भी सब कुछ 15,000 के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, बेस्ट गेमिंग फ़ोन कह सकते हैं इस बजट के अंदर हम। और कुछ मैं यहाँ पे फोटोग्राफी के भी आप सैंपल दे देता हूँ, इस फ़ोन के अंदर लिए गए हैं ये फोटोग्राफ्स जो आप देख सकते हैं, लो लाइट फोटोग्राफी भी यहाँ पे ली गई है, नॉर्मल जो लाइटिंग कंडीशन के अंदर फोटोज़ अच्छी मिलती है, लेकिन एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा मिलती है फोटोज़ के अंदर, लेकिन ओवरऑल लाइटिंग में बहुत ही बढ़िया फोटोज़ मिलती है इस बजट के अंदर। तो बहुत सारा मिल रहा है फ़ोन के अंदर, तो ये बेस्ट फ़ोन कह सकते हैं मेरे हिसाब से। और दोस्तों मैं बताना भूल गया, यहाँ पे फ़ोन पे लगी है 4500 मिलियन पावर की बैटरी, यानी एक दिन आराम से चलेगी अगर गेम खेलनी है तो, बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि मैंने बताया, फ़ोन सपोर्ट करता है 27 वोल्ट के चार्जर को भी, तो बहुत ही बढ़िया पैकेज है ये 15,000 के अंदर, क्योंकि 15,000 में भी आपको मिल जाएगा 6GB रैम और 64GB स्टोरेज, वो भी मेरे हिसाब से इनफ है। अगर आपको PUBG खेलनी है या तो फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है, दोनों लगा के खेल सकते हैं आराम से इस 6GB रैम के कॉन्फ़िगरेशन के साथ। लेकिन और भी एक्सट्रीम लेना है तो आप 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वर्जन भी ले सकते हैं, जो 17,999 में मिल रहा है। और दोस्तों आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, फ़ोन के परचेस करना है डायरेक्टली यहाँ से, तो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में मेरा ओपिनियन जाने तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये बहुत ही टासू फ़ोन कह सकते हो, और टासू फ़ोन मैं उसी को बोलता हूँ जो बहुत ही बढ़िया होता है, यानी बम कह सकते हैं। 15,000 के अंदर आपको सब कुछ दे दिया इस फ़ोन के अंदर, एक अच्छी गेमिंग, एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा और अच्छी बड़ी बैटरी भी दी गई है, और क्या चाहिए आपको फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ये फ़ोन ले सकते हैं, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपने तो देख ही लिया है, बहुत ही अच्छी चलती है गेमिंग यहाँ पे। तो दोस्तों आप Redmi Note 8 Pro के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।